नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर बीते एक दशक में देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने रेलवे विकास की 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 650 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के दो खंडों, न्यू खुर्जा से सहनेवाल खंड और अहमदाबाद से न्यू घोलवल खंड को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि रेलवे का विकास निवेश और रोजगार के नए अवसर बना रहा। प्रधानमंत्री ने 51 गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी शुभारंभ किया। ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने 80 खंडों में 1,045 किलोमीटर स्वचालित सिग्नलिंग की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 35 रेल कोच रेस्टोरेंट का भी उद्घाटन किया। स्थानीय उत्पादों और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 1500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, मैसूरू डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पुरी विशाखापट्टनम, लखनऊ देहरादून, रांची वाराणसी और खजुराहो दिल्ली के बीच तेज और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेलवे के विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी। प्रधानमंत्री ने कहा, आधुनिकीकरण से 21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदली। देश में हो रहे विकास कार्यों को सरकार बनाने का नहीं बल्कि देश बनाने का मिशन, प्रधानमंत्री ने बताया। प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री ने आश्रम के विस्तार परियोजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने कार्य योजना से जुड़ी बारीकियों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने आश्रम में पौधारोपण भी किया। प्रधानमंत्री ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। इसके तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही गांधी जी के निवास स्थान हृदय कुंड सहित 20 भवनों का संरक्षण, 13 भवनों का जीर्णोद्धार और 3 भवनों का पुनरुद्धार होगा। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन किया। यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो रहा था, उसमें बापू ने आशा और विश्वास भरा। प्रधानमंत्री ने कहा, महात्मा गांधी का विजन हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक स्पष्ट संदेश दिखाता है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पोखरण में देश की सैन्य शक्ति का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के लाइव फायर और युद्धाभ्यास से जुड़े समन्वित प्रदर्शन भारत शक्ति को देखा। पोखरण में सैन्य शक्ति के दौरान स्वदेशी हथियार प्रणालियों का प्रभावी प्रदर्शन। इस दौरान T-90IM टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश अस्त्र प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक्स म्यूल्स, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को प्रदर्शित किया गया। इस अभ्यास में नौसेना ने एंटीशिप मिसाइलों और एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को प्रदर्शित किया। वहीं देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स ने भारत की वायुशक्ति को दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए। हमने नीति विषयक सुधार किए, रिफॉर्म्स किए, हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा, हमने एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा और भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली। प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक के क्षेत्रों में हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के हैदराबाद में सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाहर से आए शरणार्थियों को नागरिकता न देकर उनका अपमान किया। गृहमंत्री ने तेलंगाना की बीआरएस और कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप, जबकि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का कोई आरोप नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को राजनीतिक स्थिरता देने का काम किया। आयाराम गयाराम की राजनीति को खत्म करके देश में 10 साल की पूर्ण बहुमत सरकार चलाई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सीएए पर बात करते हुए कहा, इसके आने से उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें नागरिकता लेने के लिए 70 सालों तक इंतजार करना पड़ा। सीएए लागू होने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि मैं इसे नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत मानता हूं, मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फैसले का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। शशि थरूर ने कहा, अगर एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम बिना किसी संदेह के कानून के इस प्रावधान को वापस ले लेंगे, यह हमारे घोषणा पत्र में होगा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अपना विचार रखते हुए कहा कि इस अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य देश में अवैध प्रवास को रोकना है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो यहां पर अवैध रूप से रहने वाले लोगों के लिए उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए लागू होने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उत्तर 24 परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था। कई लोगों ने आत्महत्या की थी। मैं पूछती हूं, अगर वो लोग बर्खास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? उनकी संपत्ति का क्या होगा? सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस और आरएएफ की तैनाती देखी गई। इस क्षेत्रों को सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया गया है। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके में फ्लैग मार्च किया। इस इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ समेत अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया। इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। It is our tradition to change food habits according to the weather. Light and healthy food ensures good health and nutrition during the hottest months. High water content, seasonal fruits and vegetables keep you cool and hydrated. Traditional remedies like onion salad and raw mango with salt and cumin can prevent heat stroke. Drink fluids with electrolytes like ORS, coconut water, lemon juice, buttermilk, aam panna, moong water, etc. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Avoid excessive salt, spices, oily and high protein food. Do not eat stale food. Non-vegetarians can eat lightly grilled meat instead of fried or red meat. Eat well. Stay healthy, stay safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस सेंटर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी संस्थान में सभा के संबोधन के दौरान दोनों देशों के बीच दांडी मार्च के साझा महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने प्रशंसा की और साथ ही रेडरोइट मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की पहल की भी प्रशंसा की। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस विश्वविद्यालय में मानद उपाधि प्रदान किए जाने वाले समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि प्रदान की गई। नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने सैनी के अलावा 5 विधायकों को कैबिनेट और राज्य मंत्री की शपथ दिलाई।
इससे पहले हरियाणा की भाजपा जेजेपी सरकार का गठबंधन टूट गया। इसके बाद मनोहर लाल ने पूरी सरकार को इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। दोनों दलों के बीच लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सीट शेयरिंग पर गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई। सिक्किम से भाजपा नेता दोरजी शेरिंग लेप्चा ने राज्यसभा सांसद के रूप में आज राज्यसभा के सभापति के चैंबर में शपथ ग्रहण की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोरजी शेरिंग लेप्चा को शपथ दिलाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलुरु में कहा कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने चुनाव के समय जो गारंटी दी थी वो सारी गारंटी फेल हो गई है और अब लोगों का विश्वास केवल प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी 4 राज्यों पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 30 स्थानों पर रेड डालकर उन्होंने तलाशी ली। एनआईए या रेड आतंकवादियों और गैंगस्टरों के बीच साठगांठ की जांच के मामले में की गई। प्रवर्तन निदेशालय झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर धन शोधन संबंधी एक मामले की जांच के तहत छापेमारी की। रांची और राज्य के कुछ अन्य शहरों में कई परिसरों पर छापेमारी की गई। अंबा प्रसाद हजारीबाग जिले की बड़का गांव विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध रेत खनन, जबरन वसूली और कुछ अन्य अपराधों से संबंधित कई प्राथमिकियों के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली के मजनू टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें मकान देने का आश्वासन भी दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संक्वेलिम में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ओखला के तेहखंड में इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में कहा, हमारे देश का संविधान सबसे ऊंचा और उत्तम है। प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार सबको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी हर चुनाव में झूठे आरोप लगाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हार तय हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर में ने बाजपुर में लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जननायक जनता पार्टी के नेता निशान सिंह ने कहा कि पार्टी की बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। हिसार में कल नव संकल्प रैली आयोजित की जाएगी और पार्टी ने जो भी बातें तय की हैं उसकी जानकारी वहां दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉमन फेलोशिप पोर्टल लॉन्च किया। कॉमन फेलोशिप पोर्टल विभिन्न फेलोशिप योजनाओं के तहत जानकारी तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। यह पोर्टल विकसित भारत के लिए युवाओं के मन में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का भी काम करेगा। जनऔषधि केंद्र खोलने और उसके विस्तार के लिए अब आसानी से लोन मिल सकेगा। इसके लिए सिडबी और PMBI के बीच एक अहम करार हुआ। इस करार के बाद जनऔषधि केंद्र के लिए 10 मिनट में 5 लाख तक का लोन मिल सकेगा। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर क्वालिटी वाली दवा मिलती है और ये गरीबों की संजीवनी है। देश में अभी 11,000 जन औषधि केंद्र है। अगले 2 साल में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है ताकि लोगों को उनके घर के पास ही सस्ती दवाइयां मिल सके। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। किसान आंदोलन के चलते हाईवे बाधित होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट पहले से पूरे मामले को सुन रहा है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद। दिन के अंत में सेंसेक्स 135 अंक मजबूत होकर 73,667 अंक पर पहुंच गया। एशियाई बाजारों के मिले जुले संकेतों के बीच निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज। निफ्टी 3 अंक की बढ़त लेकर 22,335 अंक पर बंद। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बंद पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखते हुए इसके स्वामित्व को जालान काल रॉक समूह को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी। जनवरी 2024 के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में 3.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी मिली।
फरवरी माह के दौरान देश में खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 5.09% दर्ज की गई। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी मिली। टाटा पावर सोलर सिस्टम द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 100 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं की शुरुआत। सीके बिड़ला समूह की कंपनी HIL लिमिटेड ने लगभग 265 करोड़ रुपयों के उद्यम मूल्य पर क्रेस्टिया पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसकी 4 अनुसंगी कंपनियों का अधिग्रहण करने की घोषणा। बचत समाधान मुहैया कराने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी EESL ने 6 वॉट के LED बल्ब की पेशकश के साथ अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के विस्तार की घोषणा की। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं, एक और ब्रेक के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं। सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। एक बार फिर आपका स्वागत, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। नकदी संकट और कानूनी लड़ाई से जूझ रही स्पाइस जेट की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। स्पाइस जेट की वाणिज्यिक अधिकारी शिल्पा भाटिया और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरुण कश्यप ने इस्तीफा दिया। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे पर स्पाइस जेट की ओर से एक बयान जारी किया गया। कंपनी की ओर से कहा गया, रणनीतिक पुनर्गठन के तहत वाणिज्यिक टीम के कई सदस्यों ने अपना इस्तीफा दिया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 2022-23 के तहत उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रसालो डिजिटल द्वारा कथित अनुचित लोन देने की जांच करने वाली एक याचिका पर RBI और SEBI से जवाब मांगा। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने फरवरी महीने के लिए ऑटोमोबाइल सेल्स का डेटा जारी किया। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने डेटा को जारी करते हुए बताया कि पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में सालाना आधार पर 10.74%, जबकि तीन पहिए वाहनों की बिक्री में 8.34% की वृद्धि। मजबूत हाजिर मांग के बाद कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने से वायदा कारोबार में मंगलवार को कच्चा तेल की कीमत 60 रुपए की तेजी के साथ 6,503 रुपए प्रति बैरल पर पहुंची। इसराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने
रामल्ला में कनाडा के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। अपनी यात्रा के दौरान कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने इजरायली विदेश मंत्री और इजरायली बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात की। यूक्रेनी हमलों के बाद क्रेमलिन ने एक बयान जारी कर कहा, रूसी सेना यूक्रेन के हर एक हमले की मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेनी सैन्य बलों ने रूस के अलग अलग स्थानों पर कम से कम 25 ड्रोन और 9 रॉकेट से हमला किया। स्वीडिश पुलिस ने संसद के प्रवेश द्वार को बाधित कर अपना विरोध प्रकट किया। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग हिरासत में ली गई। विमानन कंपनी लुफ्थांसा के कैबिन क्रू यूनियन ने अपने सभी सदस्यों से 12 और 13 मार्च को हड़ताल करने का आह्वान किया। स्पेन के कैंडरीज द्वीप तक पहुंचने की कोशिश में 40 प्रवासियों से भरी हुई एक नाव दुर्घटना के शिकार हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कें सैलाब में तब्दील हुई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति योजना का शुभारंभ किया। कीर्ति योजना का लक्ष्य भारत को महाशक्ति बनाना। रणजी फाइनल में मुंबई ने विदर्भ के सामने 538 रनों का लक्ष्य रखा। दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 10 रन बनाए। ऋषभ पंत 14 महीने के रिहैब और रिकवरी प्रक्रिया के बाद पूरी तरह फिट घोषित किए गए। तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी आईपीएल 2024 में नहीं खेलेंगे। शामी ने 26 फरवरी 2024 को दाएं एड़ी की तकलीफ दूर करने के लिए सर्जरी करवाई। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा भी चोट के कारण आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक की ओर से खेलते हुए चोट लगी। बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की शुरुआत बुधवार से हो रही है। दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को इंडियन वेल्स के तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। चौथी वरीयता प्राप्त डैनियल मेदवेदेव ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में जगह बनाई। इंडियन वेल्स के चौथे दौर में मेदवेदेव का सामना 13वीं वरीयता प्राप्त दिमित्री देव से होगा। दिमित्रोव ने एड्रियान मैनारिनो को हराया। इंडियन वेल्स में सातवीं वरीयता प्राप्त हेल्गर रूम ने इटली के लोरेंजो मुसेती को मात दी। इस जीत के साथ होल्गर रून ने चौथे दौर में जगह बनाई। बेलारूस की अरीना सबालेंका ने इंडियन वेल्स के तीसरे दौर में ब्रिटेन की एमा राडुकानो को हराया। इंडियन वेल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ ने अगले दौर में जगह बनाई। जापान की नाओमी ओसाका को इंडियन वेल्स में हार का सामना करना पड़ा। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग में आज पोर्टो का सामना आर्सेनल से होगा। पोर्टो के खिलाफ होने वाले चैंपियंस लीग मैच से पहले आर्सेनल के घायल फॉरवर्ड गैब्रियल मार्टिनेली अभ्यास में नहीं नजर आए। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। As the hilly regions of India get hotter, it is important to take precautions to protect ourselves from heat illness. Be aware of heat wave alerts on TV, radio, newspaper and mobile phones. Drink more water and natural drinks to avoid dehydration. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Work during cooler hours and rest during 12 to 3, which is the hottest period of the day. Keep animals in shade and give them adequate water. Eat only freshly cooked food and fresh fruits and vegetables. Recognize the signs of heat illness, weakness, dizziness, nausea, excessive sweating, cramps, confusion, rapid breathing, fainting. If you feel unwell, take first aid and call 108 or any ambulance service or go to the hospital. Be alert. Be safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. मेरी माँ फोन से पैसे देती है। मेरे पापा फोन पे पैसे लेते हैं। मेरे दादाजी को फोन में पैसे आते हैं। दादी फोन से हर मंदिर के दर्शन पाती है। दीदी लैपटॉप से पढ़ाती है और मैं लैपटॉप से पढ़ती हूँ। टेक्नोलॉजी हम सब के लाइफ का हिस्सा है, पर टेक्नोलॉजी को हम तक किसने पहुँचाया? मोदी जी ने।
इसे सस्ता बनाकर, स्वदेशी बनाकर, हमारा समय, धन और ईंधन बचाकर, बिचौलियों को हटाकर, मेरे परिवार को कतारों से मुक्ति दिलाकर, डीबीटी का सिस्टम लाकर, इनोवेशन को पुश कर, स्टार्टअप को बूस्ट कर, मेरा परिवार डिजिटल तो इंडिया डिजिटल। थैंक यू मोदी जी। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल भारत, मोदी सरकार की गारंटी। एक बार फिर आपका स्वागत, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने न्यूकासल को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के बाद चेल्सी तालिका में 11वें स्थान पर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नस्र एशियन चैंपियंस लीग से बाहर हो गई। अभिनेता आयुष शर्मा स्टारर फिल्म रुस्लान का टीजर जारी हुआ। एक्शन से भरपूर इस टीजर में आयुष के अलावा जगपति बाबू और जहर इकबाल भी नजर आ रहे हैं। विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर अभिनीत फिल्म फैमिली स्टार के दूसरे गाने कल्याणी वाचा वाचा का प्रोमो रिलीज। फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी के गाने वंदे वीरम को यूट्यूब ने हटाने का नोटिस दिया। यूट्यूब के इस फैसले पर फिल्म के निर्माताओं ने नाराजगी जाहिर की। माँ और बेटे के मार्मिक रिश्ते पर आधारित इस गाने के बोल को गीतकार अमरनाथ झा ने लिखा है। हॉरर फिल्म द फर्स्ट ओमैन का फाइनल ट्रेलर रिलीज हुआ। हॉरर और मिस्ट्री से भरपूर यह फिल्म 1976 में आई द ओमैन की प्रीक्वल है। अभिनेता सलमान खान साजिद नाडियावाला की आगामी मेगा बजट एक्शन फिल्म में नजर आएंगे। एआर मुर्गादास के निर्देशन में बनने वाली यह फिल्म साल 2025 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। तमिल और तेलुगु फिल्मों में शानदार प्रदर्शन के बाद अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी अब मलयाली फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं। अनुष्का हॉरर फिल्म कत्तनार द वाइल्ड सॉर सरर के साथ मलयाली सिनेमा में भी धूम मचाते हुए नजर आएंगी। एक्शन से भरपूर फिल्म छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामियान के टीजर को 14 मार्च को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अनुपम खेर और मकरंद देशपांडे महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। देश के बंटवारे की अनसुरी कहानी को बयां करती फिल्म बंगाल 1947 का पहला लुक जारी। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सतीश पांडे ने इस फिल्म को निर्देशित किया है। एक्सप्रेस 100 में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।